विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी काफी परेशान हैं कि 15 दिसंबर से फॉर्म तो आ गए हैं, लेकिन उन तक ये फॉर्म अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम आपको बता दे रहे हैं, ये फॉर्म आपके ब्लॉक स्तर पर अब आ चुके हैं, यानी 20 तारीख के बाद सभी ब्लॉकों में उत्तर प्रदेश के जितने भी ब्लॉक हैं वहां पर पहुंच चुके हैं, जिलों पर भी फॉर्म पहुंच चुके हैं और ब्लॉक से ये फॉर्म आपके विद्यालय तक पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये फॉर्म नहीं मिल पा रहे हैं तो हम आपको बहुत ही सरल तरीके से बता देंगे कि आपको ये फॉर्म कहाँ मिलेंगे और इन्हें कैसे भरना है और भरने के बाद कौन कौन सी इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स लगा के जमा करना है। तो सबसे पहले अगर आपको फॉर्म नहीं मिल पा रहा है तो उसका हम सलूशन आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर पे जाएंगे और वहाँ पर आपको लिखना होगा www.vidyagyan.in। इतना आप जो हमने यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ये आपको टाइप कर लेना है, और जैसे ही इसको आप टाइप करेंगे और इसे सर्च करेंगे तो सर्च करने पर आपको कुछ रिजल्ट्स इस प्रकार के आपको दिखाई पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको विद्या ज्ञान दिखाई पड़ेगा, उसके बाद जब आप दूसरे नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पर आपके लिए देखो लिखा हुआ है एडमिशन 2021 विद्या ज्ञान। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि इस पर आपको अब क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो आपका इंटरफेस खुलेगा वो देखिए, एक आपके सामने ये इंटरफेस ऐसा खुल करके आएगा और उसके आगे जब आप थोड़ा सा बढ़ेंगे तो देखिए लिखा हुआ है होम एडमिशन, और बड़ा सा भी लिखा हुआ है ये एडमिशन, और इसी एडमिशन में आपको ढेर सारी चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे अगर हम पहले यहाँ पर देखते हैं तो आपका ये देखिए कक्षा 7 गर्ल्स एडमिशन फॉर्म, जी हाँ, दूसरे नंबर पर कक्षा 6 की लड़कियों के फॉर्म हैं, फिर कक्षा 7 की लड़कियों के लिए ही एडमिट कार्ड हैं और कक्षा 6 की लड़कियों के लिए एडमिट कार्ड हैं, फिर उसके बाद कक्षा 7 के लड़कों के लिए, कक्षा 6 के लड़कों के लिए एडमिशन फॉर्म, फिर कक्षा 7 के लड़कों के लिए एडमिट कार्ड देखिए दिया गया है, और कक्षा 6 के लिए भी यहाँ पर एडमिट कार्ड आपको दिए गए हैं। इसके बाद दिया गया है गाइडेंस क्या है और उसके बाद ओएमआर सीट यानी कैसा होगा। तो मैं आपको बता दूं ये आपको क्यों दिए गए हैं, आपका बच्चा जिस भी क्लास में एडमिशन लेना चाहता है, अगर वो गर्ल्स है कक्षा 7 में एडमिशन लेना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाता है, और डाउनलोड होने के बाद आपने अपने फ़ोन में जो भी डायरेक्शन दे रखा होगा वो वहीं पर जाकर के सेव हो जाता है। हो सकता है आप गूगल ड्राइव आपके पास होगा तो आप गूगल ड्राइव में जाके देख सकते हैं या फिर आप डाउनलोड में देख सकते हैं। अगर ये दोनों कार्य आप नहीं कर सकते तो सिर्फ आप डाउनलोड करने के लिए क्लिक करेंगे। जैसे मैं अगर कक्षा 6 का अगर फॉर्म देखता हूँ लड़कों के लिए, तो आपके सामने ये देखिए, मैं इस पर आपके सामने केवल देखिए क्या करता हूँ, ये देखिए मैंने इसको ओके किया। ओके करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन खुल करके आ गया, डाउनलोड फाइल अगेन, फिर लिखा है 2021 क्लास 6 बॉयज़ एडमिशन फॉर्म, एसडी कार्ड में जाए डू नॉट। तो आपको करना क्या, यहाँ पर सिर्फ डाउनलोड लिख दीजिएगा और डाउनलोड जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट करने के बाद ये देखिए आपका जो फॉर्म है वो धीरे धीरे डाउनलोड होके आ जाएगा, और ये देखिए अब क्लास 6 का हमारे पास जो है फॉर्म डाउनलोड हो करके आ चुका है। और मैं इसे आपको अगर दिखाना चाहूँ तो ये देखिए आपके सामने एक फॉर्म जो है जिस भी क्लास का चाहिए आप यहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ मैं एक और बताना चाहता हूँ, मैं और पीछे जा रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप देखिएगा पुनः अपने उसी
अब बार सर्च बार पे आ जाएंगे जहाँ से हम ये लेके चले थे। अभी देखिए हम इसको क्विक करेंगे। हाँ, अब आप देखिए, आपको सिर्फ जिस भी क्लास के लिए एडमिशन का, तो मैंने अगर कक्षा 6 के लड़कों के लिए किया था, ये देखिए अब हमें इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए अब हमें ज़रूरत पड़ेगी कक्षा 6 के बच्चे का एडमिट कार्ड। तो यहाँ से हम एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लेंगे। यानी अभी आप सोच रहे होंगे ये डाउनलोड एडमिट कार्ड कैसे हो सकता है। जी हाँ, एडमिट कार्ड अब आपको ही भरना रहेगा, उसमें सारी जानकारी, और जिस दिन परीक्षा होगी उस के पहले आपको वही एडमिट कार्ड भरा हुआ आपके बच्चे को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मिलेगा। तो मैं इसको भी आपके सामने डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया और आ गया है कि 2021 क्लास 6 बॉयज़ एडमिट कार्ड डाउनलोड। तो हम देखिए इसको जैसे ही ओके करेंगे, थोड़ी देर के बाद ये धीरे धीरे प्रोसेस होगा और ये अब ये डाउनलोड हो रहा है। और डाउनलोड होने के बाद ये आपके सामने, ये देखिए दो प्रतियों में है, तो इसकी दो प्रतियां देखिए डाउनलोड हो चुकी हैं। आपने देखा था पीछे फॉर्म की भी दो प्रतियां थी, वो डाउनलोड हुई थी। अब आपके सामने पूरा फॉर्म अभी डाउनलोड होके जो एडमिट कार्ड है ये देखिए आ जाएगा। अब ये एडमिट कार्ड आपके सामने आ चुका है। ये एडमिट कार्ड अब आपको भर देना है, और कैसे इसे भरना है इन सब की जानकारी अब मैं आपको एक दूसरे वीडियो में दूंगा, जिससे आपको ये वीडियो बड़ा ना लगे। तो आपको अब कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी साइबर कैफ़े में जा कर के बहुत ही आसानी से फॉर्म को अपना डाउनलोड कर सकते हैं, और आप बच्चे का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और उसे कैसे भरना है इसके लिए हम आपको अगले वीडियो में बता रहे हैं कि आप फॉर्म को कैसे भरें। तो ये बात रही कि आपको फॉर्म नहीं मिल पा रहा, तो उसका सलूशन क्या है। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ।